कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है। कल्लू चाचा जयपुर में IBIS होटल में। आवाज़ मेरी गूंज रही है, क्या पता आपको अच्छी आनी आ रही। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मैं जिम में हूँ, मेरा वर्कआउट चल रहा है और इंस्टाग्राम पे मैंने अपडेट कर भी दिया है। अभी यहाँ से निकलते हैं, महेश को मैंने फ़ोन कर दिया, उठ जा, फ्रेश हो जा। उसके बाद ऊपर जाते हैं 8th फ्लोर पे और स्विमिंग पूल में छलांग लगाते हैं, थोड़ी वहाँ भी एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद जाके नहाएंगे धोएंगे और निकलेंगे जयपुर घूमने के लिए। तो भाइयों, आखिरकार रॉयल एनफील्ड अपना पीछा नहीं छोड़ सकती, ना हम रॉयल एनफील्ड का पीछा छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, ये गाड़ी तो मुझे दिखी जाती है। जब उदयपुर जा रहा था तो मुझे राजदूत दिखी थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, और अब दिखी भाई ये RE लिखा हुआ है इस पे। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ ये पिंक सिटी की गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है आपको, और रस्से वस्सी सब लगा रखी। और इस हैंडल बार को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी रॉयल एनफील्ड में ये हैंडल बार डाल लेना चाहिए, क्योंकि इसको पकड़ के एक अलग ही फील आ रहा है भाई। मस्त लग रही है गाड़ी। जयपुर में हूँ और ये है रिक्शा, जो बिल्कुल पिंक की तरह सजा रखा है भाइयों ने। ये है पिंक सिटी का रिक्शा। चलो, मेरे को तो ये गाड़ी मन कर रहा है कि इसको घर ही ले जाऊँ, लेकिन ये चलेगी नहीं। इसका इंजन विंजन चैन वैन सब हटा रखी है, उतार रखी है, इवन ये आगे पीछे भी जल्दी से नहीं हो रही है। मैं कर रहा हूँ ओला बुकिंग और ये दिखा रहा है यहाँ पे IBIS जयपुर से हवा महल 144 रुपीज़ ओनली। हम आए पार्किंग में गाड़ी के पास, मैं अपने शूज़ निकाल लेता हूँ और चप्पल अंदर डाल लेता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने ब्लैक रंग का कुर्ता पहना है जो मैंने उदयपुर से खरीदा था, इसके ऊपर शूज़ अच्छे लगेंगे, लेकिन वाइट शूज़ अच्छे लगेंगे ना। सुमित कुमार जी आ रहे हैं, अभी मैं फ़ोन लगा के दे देता हूँ मिस्टर महेश को, मिस्टर महेश बोलेगा कि लोकेशन करेक्ट है, आ जाओ होटल के अंदर, आ जाओ डायरेक्ट। थैंक यू भाई। 4933 ओला मंगा लिया है और अभी निकल रहे हैं हम लोग हवा महल के लिए। आ चुके हैं हवा महल और अभी मैं ढूंढ रहा हूँ रास्ता। एंट्री गेट कहाँ से हवा महल का? आगे से लेफ्ट, दूर है क्या ज्यादा? सामने ही है। अच्छा, यहाँ पे ना आजू बाजू एक सिकंजी वाला रहता है, नींबू पानी वाला, बड़ा बढ़िया बनाता है, वहाँ से होगा। ये अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, ये स्टिक अच्छी नहीं लग रही तुमको? ये दिखाओ, बढ़िया भाई, बोल रहा है ये क्या है, ये बकवास है, बोले हटा, अपना अच्छा अपना ले लो। तो यहाँ से टिकट लेते हैं और फिर हवा महल के अंदर जाते हैं। ये सामने एंट्री मेरे पीछे, तो ये है भाइयों हवा महल, और इधर मैंने सुना है कि बहुत हवा आती है। भाइयों नज़ारा हवा महल का, और यहाँ पे पता है इतनी तेज हवा चल रही है। वहाँ तक जाने के लिए रास्ता होगा क्या? ऊपर जाने के लिए रास्ता होगा महेश? पता नहीं, तो पता कर लेते हैं। आ जाओ, आओ, लाइन में भी मैं खड़ा रहा हूँ, टिकट भी मैं ही निकालू, और तुम एक बैग नहीं पकड़ सकते? कहाँ चले गए? विजय मालिया, वहाँ जाना है। चल, वहाँ के लिए रास्ता ढूंढते हैं। वो खड़े बाहर, लोग ऊपर, लोग खड़े हैं, वो हवा ले रहे हैं। यहाँ तक चलना, यहाँ तक महेश, इस पे जाएंगे। तो हवा नहीं आ रही, हवा महल है ना, दोनों साइड खुला रहेगा। भाई साहब बता रहे हैं कि जो खिड़कियाँ बंद हो गई है उस वजह से आ नहीं रही है यहाँ हवा। पहले यहाँ पे देख लेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ी हवा आ रही है, यहाँ लग रहा है हवा महल में आया हम लोग। एक्चुअली सीजन में आए, क्यों बताऊँ क्या, पिछली बार जब मैं आया था बिल्कुल भी यहाँ पे भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी। अगर वो आ नहीं पाएंगे ऊपर, सब भीड़ हो जाएगी। जाने का रास्ता? आने दो, जल्दी जल्दी रफ्तार बढ़ाओ।
अरे कोई बात नहीं, मैं एक साइड करा दे। भैया आ जाओ, आधा घंटा हो गया खड़े हो गए, आप लोग नीचे हो गए तब पता चलेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पूरा गांव था क्या ऊपर? अरे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है क्या भाई? भाई रुक जाओ, कोई तो रुक जाओ, चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, आ जल्दी भाई। यहाँ से दिख रहा है जयपुर शहर और ये है भाई लोकेशन, सबसे टॉप पे हम लोग अभी हवा महल में। समोसे को काट दिया तुमने तो, एक प्लेट, एक प्लेट में मेरे भाई दो आएंगे क्या? बढ़िया बनाओ। अच्छा दही नहीं है क्या आपके पास? कड़ी, कड़ी डालोगे समोसे में? भाई ये चीज तो खाने लायक है, ये हरी चटनी और ये लाल चटनी, कमाल करते हो, मजा आ जाएगा भाई। एक चम्मच और दे दो मेरे भाई। तो जयपुर का कढ़ी समोसा खाएंगे आज हम, जयपुर का कढ़ी समोसा। है कुछ बात है भाई? तो भैया महाराष्ट्र में बैठे जितने लोग देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि समोसे में कड़ी डाल के भी खाया जाता है। स्ट्रीट फूड का ना अलग ही मजा आता है भाई। ये भैया हमारे खड़े होते हैं हवा महल के पास, कोई भी आ रहा है अगर तो समोसा कड़ी जरूर खा के जाना। एक दो साल पहले मैं यहाँ से पीके गया था, ये वही है। कब से लगा रहे हो आप यहाँ? यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी और बहुत बढ़िया बनाया था भाई, गले को ऐसा चीरता हुआ निकल गया था। आप ही हो? बना दो यार, मैं पता है कहाँ से आ रहा हूँ, नासिक से, महाराष्ट्र। और ये लड़के को मैं लेके आ रहा हूँ, इसकी शक्ल देखो, इसको मैं कह रहा हूँ कि मुझे वही पीना है। और हवा महल के बाहर ही खड़ा होता है लड़का, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे खड़ा होता है। और पता नहीं मुझे यही लग रहा है कि और कोई है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रही बात। और बहुत भीड़ है यार उसके पास, अगर तुम नहीं है तो बता दो सच सच कि मैं नहीं हूँ, मैं ही हूँ। लेकिन बढ़िया बनाओ यार। क्या बनाओगे बताओ? लो नींबू भी होना चाहिए थोड़ा बहुत उसमें ना, सोडा भी डलेगा, सोडा भी डलेगा, और पौधे भी डलेगा। हाँ 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 हाँ, बस पकड़ लिया पकड़ लिया, पड़ थोड़ा ले लेना। एक हजार किलोमीटर चल के आया सिर्फ ये पीने के लिए। कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। जो 148 साल के कल्लू चाचा थे, उनके मतलब उम्र थे कल्लू चाचा, हाँ 148 साल के हुए करते थे ना, जो उनका जमाने से जो जूती चप्पल बनता हुआ रहा 20 ग्राम का पेवल लेदर का, अच्छा तो वो चीज दिखाता हूँ आप, समझ गए? उनका फोटो भी लगा हुआ बकायदा। आप परचेज भी करना चाहो तो कर सकते हो, ज्यादा टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा देख लेंगे, दुकान ही होगी ना। हाँ आप यही खड़े हो, गुस्सा खा लो बिंदास भाई, आराम। तो भाई थोड़ा गुटखा खाएगा, उसके बाद भाई को आ जाएगी थोड़ी एनर्जी, तब भगाएगा। हाँ कल्लू चाचा है दुनिया के सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, 1870 का जन्म हुआ, 2008 में खत्म, ऐसे बनी थी। ये वर्ल्ड की सबसे हल्की जूती, इसको रोल कीजिए रुमाल की तरह। इसका अवार्ड मिला है उनको जी 1978 में, एक मूवी बनी थी गंगा की शोभन, ब्रांड साहब अमिताभ बच्चन जी का, अच्छा ब्रांड साहब ने कालू मोची का रोल किया था, ये हमारे चाचा है, इनको अवार्ड मिला था। अच्छा प्रांत साहब की पिक्चर देखी थी गंगा की शोभन? गंगा की शोभन प्रांत साहब ने चाचा का रोल किया था, कल्लू चाचा का। अच्छा कालू मोची नाम रखा गया था इनका, कालू मोची नाम, इन्होंने रोल किया था वो, प्रांत साहब ने रोल किया था इनका नाम लेके, जूते को जेल में डालो। A few moments later. आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। जो नए लोग हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक। और नमस्कार सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, एज ऑलवेज राधे राधे।
तो भाइयों हम लोग हमारे होटल के रूफ टॉप पे एक फ्लोर पे तेरी माँ कभी कभी तो लगता है अब कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है।